हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 4 जनवरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं या तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1642 ईस्वी में आज ही के दिन इंग्लैंड के किंग चार्ल्स ने 400 सैनिकों के साथ संसद पर हमला किया था। सन 1762 ईस्वी में आज ही के दिन इंग्लैंड ने स्पेन और नेपल्स पर युद्ध की घोषणा की थी। सन 1854 ईस्वी में आज ही के दिन मैकडोनल्ड आइसलैंड की खोज समरंग में समार कप्तान विलियम मैकडोनल्ड्स ने की थी। सन 1906 ईस्वी में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 1 विकेट से हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की थी। सन 1906 ईस्वी में आज ही के दिन किंग जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी थी। सन 1932 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटिश वायसराय विलिंगटन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया था। सन 1948 ईस्वी में आज ही के दिन बर्मा ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सन 1962 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली स्वचालित मानव रहित मेट्रो ट्रेन चली थी। सन 1972 ईस्वी में आज ही के दिन नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन हुआ था। सन 1990 ईस्वी में आज ही के दिन पाकिस्तान में 2 ट्रेनों की टक्कर में करीब 400 लोग मारे गए थे और लगभग 547 लोग घायल हुए थे। सन 1998 ईस्वी में आज ही के दिन बांग्लादेश ने भारत को उल्फा महासचिव अनूप चेतिया को सौंपने से इनकार किया था। सन 2004 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जफर उल्ला खान जमाली के बीच इस्लामाबाद में वार्ता आयोजित हुई थी। सन 2008 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका ने श्रीलंका को सैन्य उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति पर रोक लगाई थी। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश पर शेयर बाजारों के खुलने का समय 1 घंटा पहले सुबह 9 बजे कर दिया गया। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के संचारी रोगों की अपनी सूची से HIV संक्रमण को हटा दिया था। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आधिकारिक तौर पर दुबई में खुली थी। इसकी ऊंचाई 829.8 मीटर, जो कि 2722 फीट होती है, इतनी है। सन 2016 ईस्वी में आज ही के दिन कोलंबो का जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट ने नीलम को 1404.49 कैरेट पर दुनिया का सबसे बड़ा नीला तारा घोषित किया, जो कि अगस्त 2015 में एक श्रीलंकाई खदान में मिला था। सन 2018 ईस्वी में आज ही के दिन लिवरपूल और मिस्र के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह को अफ्रीकी फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया था। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने 193 और ऋषभ पंत ने 159 रन बनाकर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दिन दूसरे पर 622 रन बनाकर 7 विकेट पर अपनी पारी घोषित की थी। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने थे। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन जकार्ता इंडोनेशिया में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन आया था, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।